वेलकम बैक एवरीवन। आगे हम लोग मूव करते हैं यार, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कशन चलेगा हमारा यहाँ पे। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ रखा है, और जो बातें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ी हैं वही सारी बातें यहाँ पे भी अप्लीकेबल होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी। ठीक है, ड्रॉ कैसे करते थे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, क्या आपको याद आ रहा है? सबसे पहले ड्रॉइंग की बात करते हैं कि हाउ टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम क्या करते हैं, अगर हमें कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है तो हम एक चार्ज को पुट करते थे जिसके में फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है, और उसके पास में एक टेस्ट चार्ज को रखते थे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और ये जिधर जाएगा यहाँ रखोगे तो ये इधर रिपेल होगा, यहाँ रखोगे तो रिपेल होगा, और ऐसे ऐसे रेडिली आउटवर्ड होती थी। अगर मैं इसको माइनस क्यू से रिप्लेस कर दूँ तो दे विल बी रेडली इन्वर्ट। ये हमारा तरीका होता था मैग्नेटिक लाइन्स सॉरी इलेक्ट्रिक लाइन्स को ड्रॉ करने का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और शायद आपने 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपको पता होगा कि फील्ड लाइन्स मैग्नेटिक लाइन्स दे कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक नीडल, है ना? जो मैग्नेटिक नीडल होती है, जो मैग्नेटिक कंपास होता है, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इनको ड्रॉ करते हैं मैग्नेटिक लाइन्स को। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, पहले मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं और फिर हम देखते हैं फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की होती थी, है ना? कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, इज अ स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, है ना? नोट डाउन प्लीज़, आपको नोट करना है, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप नोट करिए। इज द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच अनदर मैग्नेट experiences a force। थोड़ा उसको मॉडिफाई करते हैं, नॉट ओनली मैगनेट, दे कैन बी करेंट कैरिंग वायर ऑल्सो, है ना? आपको पता है कि करेंट कैरिंग वायर की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है और मैगनेट की भी फील्ड होती है। ठीक है, तो इट इज़ अ स्पेस अराउंड ए मैगनेट और ए करेंट कैरिंग वायर इन विच अनदर मैगनेट और करेंट कैरिंग वायर एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। ठीक है, तो एक मैगनेट के चारों तरफ जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिर अभी मैगनेट के चारों तरफ क्या होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसके पास में आप किसी और मैग्नेट को लाओगे तो क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। और आपको पता है कि जैसे हम दूर दूर भागते जाएंगे इसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, है ना? जितना दूर जाएंगे स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, देन व्हाट आर फील्ड लाइंस? अब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेट करिए, वीडियो पॉज करिए और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन सोचिए, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, है ना? तो चलिए नोट डाउन करिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व्स, दे आर इमेजिनरी कर्व्स एट विच इफ अ टेंजेंट इज ड्रॉन, एट विच इफ अ टेंजेंट इज ड्रॉन इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। दीज आर इमेजिनरी कर्व्स, है ना? एंड द टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो अगर ये हमने फील्ड लाइन्स बना रखी हैं और यहाँ पे फिर ड्रॉ ए टेंजेंट, तो टेंजेंट हमको क्या बताएगी, ये हमको बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। एंड हाउ टू ड्रॉ, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम एक मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं, ऐसे हमने एक नीडल को रख दिया मैग्नेटिक कंपास को, है ना? और ऐसे उसकी पोजिशन को चेंज करेंगे, है ना? और ऐसे ऐसे हम क्या करेंगे, इसके पाथ को देखेंगे कि ये कैसे स्टे कर रही है ऐसे। यार मैग्नेटिक कंपास, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्यों स्टे करती है? आपने पढ़ा था ना इक्विलिब्रियम के बारे में कि टॉर्क इज एमबी साइन थीटा। तो ये मैग्नेट होता है, समझे? और जब आप इसको एक्सटर्नल फील्ड में लाओगे तो इट विल एक्सपीरियंस टॉर्क। और क्या होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी भी बार मैग्नेट को ला के रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी भी बार मैग्नेट को ला के रखेंगे तो हमेशा उसको क्या करेगा, वो अपनी डायरेक्शन में लाइन कर देगा। ठीक है, तो जब आप इसको एक मैग्नेटिक नीडल को रखते हो तो अगर ऐसे फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में हैं तो ये फील्ड लाइंस इस मैग्नेटिक नीडल को क्या करेंगे, अपनी डायरेक्शन में लाइन कर देंगे टॉर्क अप्लाई करके। ठीक है, तो इट इज अ पाथ अलोंग विच मैग्नेटिक नीडल इज अलाइंड, इट इज द पाथ, द फील्ड लाइंस को मैसेज डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द पाथ
along which magnetic needle is aligned. ठीक है, ये जिधर अलाइन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फील्ड लाइंस इसी डायरेक्शन में. ठीक है, बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस के बारे में आपको बता चुका हूँ. ठीक है, बट क्योंकि बार जेई में क्वेश्चन आया हुआ है और आप वीडियो ढंग से देखते नहीं हो, तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको कि बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस को कैसे बनाते हैं. वी हैव ए नॉर्थ पोल, वी हैव ए साउथ पोल, एंड दे आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड इन साइड दे आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा. बोर्ड में भी पूछ लेता है ना कि फील्ड लाइंस इन साइड कहाँ पर होती हैं. दे आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड दे आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ऐसे फील्ड लाइंस होती हैं बार मैग्नेट की. ठीक है, और बार मैग्नेट की तरह ही पता है, इफ़ यू हैव अ सोलेनाइड सोलेनाइड में करंट फ्लो करा देते हैं और इसकी फील्ड लाइंस को बनाते हैं, है ना. तो देखिए, इसके करंट ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे घूमेगी, फिर ये ऐसे आएगी और ऐसे घूमेगी. तो आप देख सकते हो कि लूप ऐसे बन रहा है भाई. अभी क्वेश्चन बन जाता है यार, देख लो जेई में कि सोलेनाइड रखी होगी एंड यू हैव टू डिसाइड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. समझ लो इस बात को, अगर मैं इसमें डायरेक्शन उल्टा करूँगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड उल्टी हो जाएगी. तो देखिए, अभी करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे एक लूप बन रहा है, ऐसे फील करिए आप, ऐसे. तो मैं इसको पकड़ता हूँ, तो आप देखो अगर ऐसे फिंगर्स को घुमाओगे, ये पीछे से आ रहा है, ये पीछे से आ रहा है, यही है ये चीज़, और ये हमारे फ्रंट में है. तो ऐसे घूमेगी तो दिस विल बी फील्ड एंड द पैटर्न इज सिमिलर टू द पैटर्न ऑफ बार मैग्नेट. इसलिए इसको आर्टिफिशियल बार मैग्नेट भी बोलते हैं. तो नोट डाउन दिस पॉइंट, लिखिए आप कि पैटर्न ऑफ बार मैग्नेट, पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट इज सिमिलर टू पैटर्न ऑफ सोलेनाइट. हालांकि मुझे उल्टा बोलना चाहिए था, दिस इज रेफरेंस और ये इसके सिमिलर होता है. तो दैट्स वाई सोलेनाइट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट. इसको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेट्स बोलते हैं इनफैक्ट इनको, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रो मैग्नेट्स, है ना, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रो मैग्नेट्स. जब इसमें करंट फ्लो करेगी तो क्या करेगा, ये बार मैग्नेट की तरह काम करेगा, बिल्कुल सारी प्रॉपर्टीज वैसे शो करेगा. ठीक है, तो इसको बना लेना आप. सोलेनाइट की फील्ड लाइंस और बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस बिल्कुल सेम होती हैं. और ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात बताई है, यहाँ पे ध्यान रखना कि फील्ड कैसे होगी. ठीक है, जब हम फैराडेज लॉ पढ़ेंगे वहाँ पे दिक्कत हो जाती है. तो डिफरेंस क्या होता है यार इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें मैग्नेटिक फील्ड में, तो पहला डिफरेंस ही होता है, प्रॉपर्टीज लिखते हैं ना कि वॉट आर प्रॉपर्टीज. हमने डिफाइन कर लिया कि वॉट इज मैग्नेटिक फील्ड, वॉट इज वॉट आर फील्ड लाइन्स एंड नाउ वी हैव प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टीज तो यही होती है, दे आर कॉन्टिन्यूस. अब यार आप कहीं भी फील्ड लाइन्स को इमेजिन कर लो, किसी भी सिचुएशन में, है ना. तो वी हैव अ बार मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ. यू कैन सी कि नॉर्थ से जा रही हैं, साउथ से आ रही हैं, दे आर कॉन्टिन्यूस, है ना. ऐसे नॉर्थ से निकलेंगी एंड देर साउथ में इंटर करेंगे, कहीं ब्रेक नहीं होगा. ठीक है, लेट्स टेक सिंगल लूप. एक सिंगल लूप भी आपको पता है टैक्स एज ए मैग्नेट, है ना. तो अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है, कैसे फ्लो करा देते हैं, ऐसे फ्लो करा देते हैं. ठीक है, ऐसे फ्लो कर रही है, ये पीछे की तरफ है, ये फ्रंट में है. तो ऐसे करंट फ्लो कर रही है, यू कैन सी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना, वो ऊपर की तरफ होगी. तो ये ऐसे फील्ड लाइंस होंगी, पता है. ये बिल्कुल इसका पैटर्न भी क्या होता है ना, ये बार मैग्नेट की तरह होता है. एक सिंगल लूप भी है, एक बिहेव बार मैग्नेट की तरह करता है. अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे लूप्स को ला के रख दूँ ऐसे ऐसे, तो बिल्कुल बार मैग्नेट बन जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे देखो ऐसे फील्ड लाइंस होंगी, ऐसे, समझे. ये छोटा सा वायर है ना, एक सेगमेंट है, आप सोचिए. तो दिस इज ए करंट कैरिंग वायर, दिस इज ए स्मॉल करंट कैरिंग वायर. तो इसकी फील्ड ऐसे होगी, तो इसको सोचना वैसा ही है, मैं समझे. फिर बाहर निकलती है ऐसे, तो दे फॉर्म कॉन्टिन्यूस. और क्या होता है बताइए. एंड वी हैव ए स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर. यहाँ भी देख सकते हैं फील्ड लाइंस आर सर्कुलर. अगर करंट ऐसे जा रही है तो फील्ड लाइंस हमारी ऐसे होंगी, है ना. आई गेस दिस साइड इज लेस विजिबल, है ना. तो दे ऑलवेज फॉर्म कॉन्टिन्यूस कर्व. ठीक है, तो हमेशा कॉन्टिन्यूस कर्व होती हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ब्रेक हो जाती हैं. आपको पता है इनसाइड नहीं होती फील्ड लाइंस, जहाँ तक होती वहाँ तक कॉन्टिन्यूस होती, फिर ब्रेक ही हो जाती हैं वो, है ना. तो आप देखो सबका पैटर्न एक जैसा है, कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस. एंड बार मैग्नेट, देयर सिमिलरिटी बिटवीन बार मैग्नेट एंड करंट कैरिंग लूप. ठीक है, किसमें ये नॉर्थ पोल होगा भाई, दिस विल बी नॉर्थ पोल.
एंड दिस विल बी साउथ पोल। एक तरफ से देखने पे नॉर्थ होता है, एक तरफ से देखने पे क्या होता है, साउथ। ये तुम्हारे बोर्ड में क्वेश्चन बनता है, नोट कर लो भाई, ये तुम्हारा बोर्ड का क्वेश्चन हो गया कि ये पोल कौन सा है जो हम ये देख रहे हैं, ये पोल कौन सा है। तो आप बोलोगे कि ये लूप में करंट है, ऐसे फिंगर्स को घुमाते हैं, थंब इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो यहाँ से फील्ड बाहर निकल रही है, दिस विल बी नॉर्थ पोल। इसको नोट करना, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। और पीछे का कौन सा पोल होगा, दैट विल बी साउथ विच इज़ नॉट विजिबल। और अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है लाइक दिस, तो आप देखिए फिंगर्स को घुमाएंगे तो थंब इज मूविंग इन इनवर्ड डायरेक्शन, तो दिस इज साउथ पोल। इसको रट लो, एंटी क्लॉक वाइज होता है नॉर्थ पोल और क्लॉक वाइज होता है साउथ पोल। ये बात मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी, समझे, सब बातें आपको पता है। तो दे आर कॉन्टिन्यूस कर्व, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई, और कहीं भी आप ड्रॉ करके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि दे आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अभी बार मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी, यार वो हमें पता है कि कहीं भी अगर पोल होता है ना, तो सेकेंड प्रॉपर्टी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि आउटसाइड बार मैग्नेट और एनी मैग्नेट आउटसाइड, यू कैन सी आउटसाइड दे आर फ्रॉम, अभी मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपको, आउटसाइड दे आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर आप बाहर देखेंगे, इफ यू हैव ए मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, यू कैन सी फील्ड लाइंस आर लाइक दिस, ठीक है। तो आउटसाइड दे आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड दे आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एंड इनसाइड दे आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये प्रॉपर्टी आप नोट करें, दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। द सेकेंड प्रॉपर्टी एंड देन डेफिनेशन वाली प्रॉपर्टी भी है, थर्ड प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी होती है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट, नोट डाउन प्लीज दिस थर्ड प्रॉपर्टी, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टेंजेंट, नोट करना है आपको, नोट्स बनाने प्रॉपर, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एंड देन वो वाली कहानी तो हमको याद ही होगी कि जहाँ जहाँ पे फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होती है, याद करिए, और जहाँ जहाँ पे डेंसिटी कम होती है उस पर क्या होता है। जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती थी, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है, और जहाँ पे डेंसिटी कम होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी भी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी चलता है, जहाँ पे ज़्यादा डेंस होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, है ना, और जहाँ पे डेंसिटी कम होगी वहाँ पे हमारी फील्ड वीक होगी। तो अगर ये फील्ड लाइंस हैं, तो एट दिस पॉइंट फील्ड इज़ बी वन एंड हियर फील्ड इज़ बी टू, सो बी वन इज़ ग्रेटर देन बी टू। आप लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी में कि डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन ए स्पेस, डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन ए स्पेस, यहाँ ज़्यादा डेंस है यहाँ पे कम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इंटेंसिटी। वहाँ पे ज़्यादा इंटेंस होगी या ज़्यादा स्ट्रांग होगी, है ना। तो डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इंटेंसिटी और इट्स स्ट्रेंथ। ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हो गई, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है, है ना, सिर्फ एक प्रॉपर्टी डिफरेंट है, कॉन्टिन्यूस कर्व वाली। देन वी हैव अदर प्रॉपर्टी, और ये भी बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी हमारी नेक्स्ट, की टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मुझे रीज़न बताने की जरूरत नहीं है, इफ दे इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट इट विल बी लाइक दिस एंड इट विल बी लाइक दिस। सो ये वी हैव टू टेंजेंट्स, है ना, और अगर दो टेंजेंट आ गई उसका मतलब बेसिकली क्या हुआ कि वी हैव टू डायरेक्शंस विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। तो ये हमारी मेन मेन प्रॉपर्टीज़ हो गई, और आपको ध्यान रखनी, याद आती है लिखने को भाई, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ लिखने को आ जाते। और इनसाइड देखो, ये हर अगर कोई सब्सटेंस है, है ना, तो फील्ड लाइंस उसके अंदर होगी। दे एग्जिस्ट इनसाइड, नोट कर सकते हैं आप, दे एग्जिस्ट इनसाइड ए मैग्नेटिक सब्सटेंस, दे एग्जिस्ट इनसाइड ए मैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना। जैसे वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोस्टेट्स में क्या होता था, दे डू नॉट एंटर इनसाइड कंडक्टर, ठीक है। एंड देन ए वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका यूज़ कहाँ पे होना है, इसका यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होना है, और लाइट की प्रॉपर्टी को पता करने में इसका यूज़ होता है। तो आप समझ सकते हो कि अगर कोई लाइट की प्रॉपर्टी को समझने में हेल्प कर रहा है, दैट शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। तो वी हैव मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ, एक हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपको याद आ रहा होगा, ई डॉट डी एस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज गॉस थ्योरम इन
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज बॉडी इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स ऑफ नेट चार्ज। लेकिन अगर हम कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएं, कहीं भी आप ले लो स्पेस, किसी की मैग्नेटिक फील्ड हो, वो सोलेनाइड की हो, वो आपकी एक करंट कैरिंग वायर की हो, बार मैग्नेट की हो, ठीक है, या किसी लूप की हो, किसी चीज़ की भी वो हो, ठीक है, तो अगर आप कहीं भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में इफ यू टेक क्लोज सरफेस बना के देख लो आप, ठीक है, एंड इफ़ यू ट्राई टू फाइंड मैथमेटिकली, इफ यू कैलकुलेट बी डॉट डी एस बाय एनी मेथड, आप इसको कैलकुलेट करके देख लो बी डॉट डी एस को फॉर होल सरफेस, है ना, तो आपको पता चलेगा कि दिस सम इज ज़ीरो, ठीक है। ये हमेशा ऐसा होता है, आप कहीं भी किसी भी कैसा भी सरफेस ले लो, इफ़ यू ड्रॉ ए क्लोज सरफेस यू विल ऑलवेज गेट बी डॉट डी एस इज ज़ीरो, हमेशा आपको बी डॉट डी एस ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको गॉस थ्योरम को डिक्टेट करेंगे तो क्या होगा कि नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड बॉडी इन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज ज़ीरो, प्लीज नोट डाउन, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड बॉडी इन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज ज़ीरो, ठीक है। इससे देखो पता क्या चल रहा है, इससे एक इम्पॉर्टेंट बात पता चल रही है ना, जो ज़ीरो होता है तो उससे एक हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। देखिए वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि वैसे तो उसको अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिसाब से लिखते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आपको पता है कि इसकी फॉर्मेट ये होनी चाहिए थी, बी डॉट डी एस, वॉट अबाउट चार्ज, अरे भाई चार्ज के प्लेस पे वी हैव एम एंड 1/ε0, आपको पता है कि जो काम वहाँ पे 1/ε0 का होता था वो यहाँ पे म्यू नॉट का काम होता है, ये फॉर्म होना चाहिए था म्यू नॉट एम, है ना, बी डॉट डी एस इज म्यू नॉट एम। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी स्पेस में दिस शुड बी एक्चुअल फॉर्म, है ना, तो अगर अब हमने गॉस थ्योरम को मतलब मैथमेटिकली कैलकुलेट किया, फ्लक्स को निकाला और हमें पता चला कि यार बी डॉट डी एस इज ज़ीरो आ रहा है, तो आप बताओ क्या समझ पा रहे हो उससे, आपको समझ में ये आ रहा है कि कहीं इन स्पेस बी डॉट डी एस इज ज़ीरो देन नेट पोल स्ट्रेंथ शुड बी ज़ीरो, नेट पोल स्ट्रेंथ शुड बी ज़ीरो, है ना। तो भाई तुमको पता है यार अगर कहीं मैग्नेट होगा तो पोल्स तो होंगे ही होंगे, और किसी स्पेस में अगर नेट पोल स्ट्रेंथ ज़ीरो आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना वहाँ पे प्लस एम होगा उतना ही माइनस एम होगा, नहीं यार मैग्नेट रखा है तो पोल्स तो होंगे ही होंगे ना कहीं भी स्पेस में कुछ भी, बट ये हमारा कैलकुलेट करके ये ज़ीरो आ रहा है, और हमने एनालॉजी से देखा कि दिस शुड बी गॉस थ्योरम, तो यहाँ से पता चला कि इफ़ दिस थिंग इज़ ऑलवेज ज़ीरो तो नेट मैग्नेटिक नेट पोल स्ट्रेंथ इज़ ऑलवेज ज़ीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं भी स्पेस में जितना प्लस एम होगा उतना ही माइनस एम होगा, मतलब जो बात पहले से बोली जा रही है आपको कि सिंगल पोल सिंगल मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, नोट करना ये सब, है ना, कि ये इससे हमें पता चलता है ना, वी कैन कंक्लूड फ्रॉम गॉस थ्योरम, नोट डाउन प्लीज, वी कैन कंक्लूड फ्रॉम गॉस थ्योरम दैट a single monopole does not exist, है ना, ये बात आपको पता है, और कैसे पता है, मैंने आपको बताया था ना कि आप एक छोटा सा करंट कैरिंग लूप ले लो, इससे छोटा मैग्नेट ही नहीं होता है कोई, और यहाँ भी यू हैव ए नॉर्थ पोल, मैंने गलत बना दिया, नहीं सही बनाया, यू हैव ए नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ एंड यू हैव ए साउथ पोल, ठीक है, तो कहीं भी मैग्नेट में ए सिंगल मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिंगल मोनोपोल होता है, आई मीन पॉजिटिव चार्ज होता है निगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर कुछ पैटर्न ही ऐसा होता है कि सिंगल मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, ये भी लिख सकते हैं हम, नोट डाउन, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, ठीक है, और उनकी जो स्ट्रेंथ भी होती है, कहीं भी अगर मैग्नेट होगा तो जितनी प्लस एम होगी उतनी ही माइनस एम होगी, ये भी रूल होता है कि दे एग्जिस्ट इन पेयर एंड दे हैव इक्वल स्ट्रेंथ,
अपोजिट एंड इक्वल स्ट्रेंथ होती है, तो ये हमारी क्या हो गई, दिस इज गॉस थ्योरम। ठीक है, इसको इसका कहाँ पे यूज़ हुआ आप सोच रहे होगे, मैक्सवेल ने बताया था। मैं आपको बता दूँ, मैक्सवेल ने लाइट के बारे में डिस्कस किया था, अबाउट लाइट, और मैथमेटिकली उन्होंने बहुत चीज़ें प्रूफ की थी, बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ है ना। तो उसमें से एक हमारा क्या होता था, गॉस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की होती है, ई डॉट डी एस इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एक हमारा होता है बी डॉट डी एस इज जीरो। इन सबको उन्होंने मैथमेटिकली सॉल्व किया, ये गॉस थ्योरम एंड एम्पियर सर्किटल लॉ, बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई। और एक इक्वेशन और होती थी हमारी, फराडेज लॉ, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, बस एक लगता है 3-4 दिन के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं फराडेज लॉ इंडक्शन के बारे में, है ना। इन सबको स्टडी करके उन्होंने लाइट के बारे में बताया था कि लाइट में क्या होती है, इन लाइट यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यू हैव मैग्नेटिक फील्ड एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये मैक्सवेल ने इन इक्वेशन से मैथमेटिकली बताया था, ठीक है। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर न्यूमेरिकल्स नहीं है, आप पूछोगे सर न्यूमेरिकल्स, नो न्यूमेरिकल, आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा कहीं भी। ये स्टेटमेंट अपने आप में आ जाता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत है, यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन, है ना। ये जेई वगैरह भी पूछ सकता है आपसे कि क्या शो करता है, ये बताता है कि सिंगल मोनोपोल डज नॉट एक्जिस्ट, ठीक है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में।